वेलकम एवरी वन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम वीडियो में मिले हैं टू कम्प्लीट आवर एक्सरसाइज 12.3। लेकिन इसको कम्प्लीट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जल्दी से बगैर टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 5 से 1, 2, 4 हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में 5, 6 और 7 में आपसे डिस्कस करूँगी। तो उसी तरह से फिगर ड्रॉ करनी है जैसे हमने प्रीवियसली की थी। अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 67.2 मीटर इज अटैच्ड टू अ फुली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, सबसे पहले तो काइट यहाँ कहीं होगी, ठीक है, वो कभी भी इस तरह तो नहीं स्ट्रिंग होती है उसके साथ जिससे उड़ा रहे होते हैं हम काइट को, तो वो कुछ ऐसी पोजीशन में होती है, ठीक है। अच्छा, वो क्या कहते हैं कि काइट यहाँ पे, ठीक है, और ये रही उसकी स्ट्रिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग जो है ना हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है 55 डिग्री, ठीक है। इतना आपसे पूछा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये पूछा हुआ है, ठीक। अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, अब हाइट जब आप किसी भी चीज़ की देख रहे होते हो ना तो वो कभी भी इंक्लाइंड फॉर्म में नहीं होती, वो बिल्कुल स्ट्रेट अप ग्राउंड के साथ देखते हो। तो यानी कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे है काइट, 67.2 मीटर। और ये काइट जो है इसकी जो स्ट्रिंग है वो इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है 55 डिग्री, और आपने लेंथ बतानी है किसकी, स्ट्रिंग की। ये हमारा ट्रायंगल रेडी हो गया। यहाँ पे हम कुछ लेबलिंग कर लेते हैं। ये 90 डिग्री बन रहा है, ये हम कह देते हैं ए बी सी, ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने बेस परपेंडिकुलर मेंशन करना है। अब बेस कौन सी होती है जिसके साथ वो एंगल होता है जो एंगल अंडर डिस्कशन है, ये हो गया बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। एक मिनट, आसान हो रही है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल कौन सी रेशो हम यूज़ कर सकते हैं? हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, बेस नहीं है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपके पास साइन में होता है, ठीक। थीटा आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख लो जो जो आपको दिया हुआ है। आपको क्या क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ काइट, वो आपको दिया हुआ है 67.2 मीटर, ठीक है। उसके बाद एंगल मेड बाय स्ट्रिंग, वो आपको दिया हुआ है 55 डिग्री। हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उसे हमने लेट किया हुआ है एक्स मीटर, राइट। अच्छा, यहाँ पे अब हम आगे इस पे रेशो लगा लेते हैं साइन की। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा मीन्स के थीटा आपके पास है 55 डिग्री, परपेंडिकुलर है आपके पास बी सी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। साइन 55 डिग्री, बी से सी तक की लेंथ आपके पास है 67.2 मीटर, ए से सी आपके पास एक्स मीटर, ठीक है। ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही इन दोनों को आप ज़रा शफल कर लो, एक्स इधर आ गया, 67.2 डिवाइडेड बाय साइन 55 डिग्री। इसको ज़रा हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 67.2 डिवाइडेड बाय साइन 55, ये आ गया 82.03 या 04, जो भी आप कहते हो इसको राउंड ऑफ करके 82.04। तो एक्स हमने लिया था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और वो हमारे पास आया है 82.04 मीटर, ठीक है। तो बड़ी आसानी से हो गया ये तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6,
When the angle between the ground and the sun is 30 degree, ठीक है, सन यहाँ कहीं होगा, ग्राउंड इधर है. वो कहते हैं कि सन का और ग्राउंड का, ये रहा ग्राउंड, एंगल आपको उन्होंने दिया है 30 डिग्री, ठीक. अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो फ्लैग पोल है, फ्लैग पोल बिल्कुल स्ट्रेट होगा, उसका शेडो बन रहा है ग्राउंड पे 40 मीटर, ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग, यानी कि ये पोल है, ये हाइट है, चलो सन यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं. खैर, यहाँ पे फ्लैगों का उन्होंने इसकी हाइट आपसे मांगी है, ठीक है. टॉप ऑफ द फ्लैग की हाइट मांगी है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो आपसे ये चीज़ मांगी हुई है. और ये हो गया एंगल ग्राउंड का सन के साथ यहाँ पे, और ये हो गया जी 90 डिग्री. अब आपके पास क्या क्या है उसको देखो. एंगल ये है, तो ये वाली साइड आपकी हो जाएगी बेस, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर. इन्हें हम कुछ नाम दे देते हैं. तो इधर आपके पास बेस है और परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आप टेंजेंट लगाओगे और आपके पास हाइट आ जाएगी. तो इधर ना हम कह देते हैं इसको एक्स कह दो, एच कह दो, कुछ भी कह दो, आप कुछ भी दे सकते हो नाम. तो यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें दी हुई है ना, वो आपने लिख लेनी है. क्या क्या दिया हुआ है आपको, एंगल बिटवीन सन एंड ग्राउंड, थर्टी डिग्री, ठीक है, शेडो ऑफ पोल इज 40 मीटर, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. वो हाइट ऑफ द पोल ही हो जाएगी 8 मीटर, जो आपसे टॉप ऑफ फ्लैग की हाइट मांगी जा रही है, वो हाइट ऑफ पोल ही हो जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे आप लगाओगे टेंजेंट, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज एच, या आप यहाँ पे पहले मेंशन करो बी से सी और ए से बी, टेन 30 डिग्री, ये आपके पास है एच, ये है 40, 40 को इधर ले जाओ, इस वैल्यू को हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 30, तो ये आपके पास आ गया 23.09, यानी कि हाइट ऑफ द पोल इज 23.09 हाइट ऑफ द पोल 23.09 मीटर. ओके जी, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इसकी फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है, ज़रा ध्यान से आप लोग देखिएगा. वो क्या कहते हैं कि अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट 6,000 मीटर अवे फ्रॉम एन एंटी एयरक्राफ्ट गन ऑब्जर्व द गन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 27 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ होगा. प्लेन ने इस एयरक्राफ्ट गन को जो ऑब्जर्व किया है, ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 27 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन, यानी कि स्ट्रेट आपको एक चीज़ स्ट्रेट फाइंड आउट करनी है, वो देख लेते हैं. प्लेन लेट सपोज यहाँ कहीं है, गन यहाँ पे है, ठीक है. आपने फाइंड करनी है हाइट ऑफ प्लेन. हाइट आप हमेशा ग्राउंड से निकालोगे. और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कहा है कि अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट 6,000 मीटर अवे, यानी कि यहाँ से वो फ्लाई किया, ठीक है. और एयरक्राफ्ट गन जो है वो यहाँ से 6,000 मीटर अवे है, ठीक. सॉरी, एयरक्राफ्ट गननी प्लेन यहाँ से जो है वो इतना अवे है. अब इतना अवे का मतलब क्या हो गया, आप ग्राउंड से देखते हो हमेशा ये चीज़, ठीक है, कि कितनी दूर है एक चीज़, वो भी ग्राउंड से देखनी है आपने, हाइट भी ग्राउंड से देखनी है. बाकी एंगल ऑफ डिप्रेशन इस प्लेन का नीचे की तरफ बन रहा है, उसके लिए आपको ज़रा
हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी ताकि आप एंगल ऑफ डिप्रेशन को जो है वो शो कर सको यहाँ पे, ठीक है। और ये वही जी वाली कंडीशन है, जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है, तो ये अगर 27 है तो ये भी 27 डिग्री होगा। बाकी आपको ये हाइट फाइंड आउट करनी है कि प्लेन ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, वो आपने फाइंड करनी है, वो हम कह देंगे एक्स मीटर, ठीक हो गया। थीटा हमारे पास 27 डिग्री है, बाकी नाम दे देते हैं इनको ए बी सी, ये हो गया थीटा। अब ये हो गया 90 डिग्री। अच्छा जी, इसमें से बेस हो जाएगी ये, परपेंडिकुलर हो जाएगी ये। अब बेस और परपेंडिकुलर ही है हमारे पास, तो यहाँ पर रेशो आपके पास लगेगी टेंजेंट। क्या क्या आपको दिया हुआ है वो लिख लो। आपको दिया हुआ है कि प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव फ्रॉम अ पोस्ट, अच्छा, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम पोस्ट 6000 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 27 डिग्री, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन, हाइट ऑफ द प्लेन ये आप कुछ भी कह दो, एक्स मीटर कह दो, ठीक है। यहाँ पे आप लगाओगे अब टेंजेंट, थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा इज 27 डिग्री, परपेंडिकुलर इज बी टू सी, और बेस हो गई ए बी, बी से सी आपके पास एक्स मीटर है, ए बी आपके पास 6000 मीटर है, टेन 27 डिग्री, इसको इधर ले जाएं, 6000 मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, 6000 इंटू 27 का टेंजेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6000 इंटू टेन 27, तो आपके पास आ गया 3057.15, एक्स हमारे पास था हाइट ऑफ द प्लेन, वो हमारे पास आई है 3057.15 मीटर। तो बस इतने ही क्वेश्चंस हमने इस एक्सरसाइज के डिस्कस करने थे, इतनी स्टेटमेंट वाले आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते, लेकिन ये छोटी स्टेटमेंट्स थी और इसमें से एक स्टेटमेंट आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 2 या 3 की, वो जो क्लिफ वाला था एक, वो वाली जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में भी आई हुई, ठीक है। तो इसलिए फिर इतने कम अज़ कम आप इनके क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर ज़रूर अपनी नज़र से और प्रैक्टिस से गुजारें। तो ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, और अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो आप वीडियो का रिव्यू दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी ज्यादा है, तो आप कर दीजिए सब्सक्राइब भी और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है मेरी आने वाली वीडियोस के भी वो आपको टाइमली मिल जाए। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।